मध्य प्रदेश का दिल कहलाने वाला इंदौर एक बार फिर कीर्तिमान रच चुका है। दो दिन पहले ही रविशंकर के सानिध्य में इंदौर के पृथ्वी पर्वत पर करीब 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। वहीं अब सोमवार की सुबह हजारों लोगों ने उनके सानिध्य में योग किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर जुबानी हमला लगातार कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने वचन तो निभाया नहीं था कि वो वचन के पक्के कहां से हो गए। राहुल जी के मामले में वचन के पक्के हैं, कल का भी उनका प्रदर्शन फीका रहा। ग्वालियर पुलिस द्वारा लापता और गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए अब रेलवे स्टेशनों पर डिस्प्ले लगाने वाली एक कंपनी से करार किया गया है। इसके माध्यम से देश भर के सभी बड़े शहरों में रेलवे स्टेशन पर चलने वाले डिस्प्ले में गुमशुदा बच्चों की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में संविदा के बेस पर काम कर रही एएनएम कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के नियमितकरण विज्ञापन से खफा हो गई। विज्ञापन में नियमितकरण के लिए रखे गए मापदंड से प्रदेश भर की आक्रोशित संविदा एएनएम कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन शुरू किया। मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। ओलावृष्टि के बाद तय समय पर सर्वे कार्य शुरू नहीं होने से किसान संगठन अब सरकार से खफा हो रहे हैं। रविशंकर के सानिध्य में महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इंदौर ने आज दशहरा मैदान पर योग किया, जिसमें हजारों की संख्या में इंदौरवासी पहुंचकर इस आयोजन के साक्ष्य बने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़े। ग्वालियर शहर में पिछले 10 दिनों में ही दो बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। ग्वालियर एसपी अमित सांगी ने बताया कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल के घर 19 लाख रुपए की चोरी हुई थी। एक दिवसीय दौरे पर आए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कौन राहुल गांधी, मैं नहीं जानता। ऐसे राहुल गांधी जिन्हें ये पता नहीं कि सत्ता में आएंगे और धारा 370 को समाप्त कर पाएंगे। इंदौर नगर निगम द्वारा बजट को तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इंदौर नगर निगम का बजट पेश किया जाएगा। इस बार भी शहर में निगम के द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ अतिरिक्त फीस को जरूर शामिल किया जा सकता है। वहीं महापौर का कहना है कि बजट को लेकर सभी तैयारियां जारी है। रायसेन जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में एग्रीकल्चर ऑनलाइन एक्सटेंशन का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा यह शुभारंभ किया गया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ की एक रिसोर्ट में महाकवि कालिदास के कुमार संभव पर केंद्रित गौड़ी शैली में चित्रकला पर एक शिविर का आयोजन 22 मार्च से 29 मार्च तक किया जाएगा। यहाँ पर कुछ सीनियर कलाकार तो कुछ जूनियर कलाकारों के द्वारा गौड़ी शैली पर चित्रकला आयोजन किया गया। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जेल डीजी से मुलाकात की। उन्होंने जेल डीजी को एक पत्र देकर इफ्तार और गर्मी के मौसम में जेलों में कूलर पंखे लगाने की मांग की। खरगोन में महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर और सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गई। इस दौरान शहर में रैली भी निकाली गई। रैली में वेतन बढ़ाने सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी मांग करने की लेकर जमकर नारेबाजी हुई। सिवा नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु राठौर ने नगर पालिका के बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे शहर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का बजट बताया। प्रिंस राठौर ने कहा कि इनमें नागरिकों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। करीब 318 करोड़ से अधिक के बजट में सबसे ज्यादा 69 करोड़ अमृत योजना मिशन 2.0 के तहत खर्च होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने भी बजट की तारीफ की।